ओ यार जलूल, तूने मुझे कहीं का ना रखा, वरना आज मैं जरूर बड़ा आदमी बन चुका होता, कसम से। अरे बड़ा आदमी तो तू बन ही चुका है, हर वक्त बड़े बड़े लोगों की तरह बड़ी बड़ी अहमकाना बातें करता रहता है। अरे अब और क्या चाहिए तुझे? ओ यार, सिर्फ बड़ी बड़ी अहमकाना और बेमाने बातें करने से तो कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। तो क्या बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े कान, बड़ी सी नाक और बड़ी सी तोंद हो तभी वो बड़ा आदमी होगा? ओ यार, आजकल बड़ा आदमी वो होता है गा जो बड़ी बड़ी हवेलियों, फैक्ट्रियों, मिलों और बड़ी बड़ी कारों का मालिक होता है गा, कसम से। अरे बावले, इसके लिए तो पहले असेंबली का मेंबर बनना लाजमी होता है, जिसकी ना तुझ में अहलियत थी ना सलाहियत, तुझ में तो पुलिस में भर्ती होने की भी काबिलियत नहीं। ओ यार क्या बोलता तू, अपन की पुलिस कौन सी बड़ी काबिल हैगी, वो तो भर्ती के लिए इंटरव्यू में मुझे से पूछ रही थी कि अल्लामा इकबाल का मजार कहाँ वाक़े हैगा। कमाल है, इन्हें ये भी इल्म नहीं कि अल्लामा इकबाल का मजार सियालकोट में है। हाँ यार, जब मैंने बताया तो उन्हें यकीन नहीं आया, कहने लगे कि फिर लाहौर में किसका मजार हैगा। तो फिर तूने क्या बताया? वो बताना क्या था, सारी दुनिया जानती है लाहौर में कायदे आजम का मजार हैगा, सिंपल। लाहौले विला, अरे तू ऐसे जाहिल गंवार इदारे में भर्ती होने गया ही क्यों था? ओ यार, मेरी ख्वाहिश थी कि अवाम की खूब खिदमत करके और खूब दौलत कमा के मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊं, कसम से।